अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हमारे इंक्यूबेटर में नए चूजे निकल के आ गए हैं। आपको दिखाते हैं कौन से चूजे निकले हैं हमारे इंक्यूबेटर में। निकले हैं केनिया फाउल के चूजे, वो जिसके ये अंडा होता है इसके अंदर से निकले। अभी दिखाते हैं, चले। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने टर्की के अंडे ले आके इंक्यूबेटर में रख दिए थे और अब इंक्यूबेटर से चूजे निकलना शुरू हो गए हैं। ये तो खाल जिसमें से निकल रहा है ये वो है, और वो एक छोटा सा वाइट सा निकला जो सबसे ज़्यादा प्यारा है, और ये हमारे ब्लैक वाले जो सिल्वर वाली होती है ना नॉर्मल कलर, ये वो है एक, ये और एक वो पीछे है ना, एक वो भी सिल्वर कलर है। अब इन दोनों के अंदर देखते हैं क्या निकलते हैं, और ये बाकी भी शायद उनमें से कुछ निकले। छः थे तो छः में से मतलब एक और टूटेगा अंडा, तो तीन बाहर आ गए हैं, दो टूटने वाले हैं और एक इनमें से अंडा है जो टूटने वाला होगा। तो छः में से चूजे निकलने चाहिए, अगर हो सकता है एक अंडा ख़राब हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से पूरे के पूरे निकलेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये है वाइट गेनिया फाउल जिसके मेरे पास चूजे निकले हैं। मैंने आपको दिखाए थे ना इसके हैं, और इनके साथ ही ना मिक्सचर का हुआ हुआ थोड़ा सा वो सिल्वर वाले होते हैं उसके भी बच्चे हैं। तो ये देखें, ये वाइट वाली है, ये भी यहीं के ही निकला हुआ बच्चा है जो माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया गया। और ये मेरे पास कलर है तीन, वाइट, एक वाइट है और एक वाइट और सिल्वर करके है, और एक सिल्वर कलर है, और एक ये ब्लैकिश वाला ना इस तरह से ना। ये हमारे पास तीन कलर हैं, तीन कलर ही कंसिडर करेंगे अब। ये हमारे पास तीन कलर हैं जिसके बच्चे निकलते हैं, और ये हमारा क्या नाम है भाई तुम्हारा, पिंका। कैसे हो पिंका, ठीक हो? क्यों ऐसे मुँह मोड़ के खड़े हो, हमसे नाराज़ हो? मुझे तुम लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब भी मैं इस जगह को सही करता हूँ, इस दरवाजे को खोलता हूँ कि दूसरे जानवर भी आ जाएंगे और डंडा लगा देता हूँ, तो तुम आगे क्यों गिरा देते हो जैस? तुम्हारी हरकतें कब ख़त्म होंगी? तुम लोगों की शरारतें बताओ, ख़त्म करने का मूड है शरारतें तुम लोगों को? नहीं होगा। क्यों क्यों करोगे शरारतें ख़त्म है भाई? बोलू ढोलू, सॉरी बोलू तो ये रहा। एक तो तुम लोगों के नाम में कन्फ्यूज आ जाते हैं हम। हाँ भाई कैसे हो, दाँत तो दिखा दो अपने, ये दाँत देखते हैं इनके, माशाल्लाह। दोस्तों कमज़ोरी दूर करने के लिए हमेशा ना दूध पिलाता हूँ मैं। अब दूध ले लिया हमने और बिंकी पी भी रही है। अब इसकी गर्दन का मसला है, ये ना इसकी बिंकी की गर्दन थोड़ी सी ना मुड़ गई है। बिंकी एक मिनट सही से, हाँ अब इसको पिलाते हैं। थोड़ा सा गिरा रही है लेकिन मोस्टली ये पी जाती है, तो इसको अब खुद से पीने की कोशिश करिए। इसका मतलब है तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो रही है। हमारा चार्ली चीख रहा है क्योंकि वहाँ पर कोई जा रहा है, तो उसको देख के चार्ली ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हम जब तक बिंकी को ये दूध पिला दें ताकि बिंकी में थोड़ी जान आए। असल में ये जो है ना गब्बन है, तो उसकी वजह से इसको बहुत कमज़ोरी हो गई है, और इसका बिल्कुल पहला है, इस वजह से और बेचारी बहुत तकलीफ़ में, बीमार भी पड़ गई अचानक से ही है। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ हुई हैं ना, इसलिए तबीयत ख़राब है। ये पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं जाके देखता हूँ। इन्होंने सुकून से बैठने भी नहीं देते लोग मुझे, देखते हैं इसको ज़रा बंद करते हैं हम। क्या हो गया रहा है यहाँ पर? अबे तुम्हें यही जगह मिली सर गुजारने के लिए अपने, इससे गुजार रहा था अपना सर। वाह भाई वाह, मैं वही बोलूँ ये क्या हो गया, इतनी देर से थक 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 की आवाज़ें आ रही हैं। छोटा भीम की शरारतें, ये शरारतें होती हैं, मैं वही बोल रहा हूँ ये क्या है। चलो तुम लोग चिल करो, सही है बच्चों। और ये हमारा सुरखाब यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है, और आजकल सुरखाब का घर बिंकी ने छीना हुआ है, इस वजह से सुरखाब यहाँ पे घूमता रहता है बेचारा। चलो भाई कोई बात नहीं, तुम चिल करो थोड़ा सा। उसकी दिब्बी देखें माशाल्लाह से अच्छी हो गई है। और हमारे मोर कहाँ है, तुम्हारा शोहर कहाँ है, तुम्हारा शोहर कहाँ है? तुमने उसको लिफ्ट नहीं करा दिया आजकल? ये देखें यहाँ छुपा बैठा है, मैं ढूंढ रहा हूँ कब से तुम्हें। ओ भाई ऊपर क्यों चढ़ गए, जाली में फंस जाओगे तुम। तुम लोगों को इधर बैठने के लिए थोड़ी बनाई थी मैंने ये, इसके ऊपर से उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, दिस इज वेरी बैड, नीचे उतरो, जाओ शाबाश। ये हमारा वाइट गेनिया फाउल है। अब इसको मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ कि ये मेरे हाथ पे आएगा या नहीं। इसको भाई मेरे हाथ पे ही आना है। इसको फिर से यहाँ पे छोड़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हो या मेरे हाथ पे आना है तुमको, बताओ। मेरे हाथ पे नहीं आना, सही है। तो बेचारा आए, ये मेरे हाथ पे आ गया। चलो इसका मतलब है इसको जो है ना मैं इसकी अम्मा जैसा फील हो रहा हूँ। तो अम्मा से याद आया इसके पास ना जैस्पर के पास लेके जाते हैं और चेक करते हैं कि इसको उसको जो है अडॉप्ट करती है या नहीं करती है। बड़ा प्यारा वैसे, ये बात तो है। अब मैंने इसको जैस्पर के साथ छोड़ दिया, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, देखें इतना चुन्ना सा है, और जैस्पर माशाल्लाह था हमारा इतना बड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अडॉप्ट करने वाला है। उसको समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या चीज़, और इसको सर्दी लग रही है,
तो ये जैसपैस को अभी अडोप्ट नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से, बाद में थोड़ा सा जब बड़ा हो जाएगा ना तो जैसपैस का ख्याल रखने वाले हैं। ना मैं आपको चार्ली से मिलवाता हूँ। चार्ली चार्ली चार्ली, अरे चार्ली बत्तख में बदल गया, ये कैसे हो सकता है? असल में ये जो बत्तख है ना, ये अभी अभी हमारे पास आई है, किसी के घर पे रखी हुई थी। और ये हुआ कि ये बत्तख तो मतलब बच्चे के लिए लाते हैं ना, बच्चों के लिए जानवर लाते हैं घर में। तो अब ये था कि ना इसके बत्तख को ना वो बच्ची जो थी ना गर्दन से पकड़ के गोल गोल घुमा रही थी, तो वो बेचारी मर जाती। तो उन्होंने कहा कि ना यहाँ पे भेज देते हैं, यहाँ पे और जानवर भी उनके साथ ना ये बत्तख रह लेगी, इस तरह से लोगों के और जानवर भी ना इधर आ जाते हैं। और मैं ब्रीड ओरिएंटेड नहीं हूँ कि भाई ब्रीड चाहिए मुझको, तो मैं हर जानवर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, भाई आने दो आने दो। और चार्ली साहब यहाँ पे बैठे हुए, उन्होंने अभी अभी पानी गिराया, उस पर लोटें ताकि ये थोड़े से ना ठंडे हो जाए। अब ये यहाँ पे इसलिए मैंने इसको बंद किया हुआ है, इधर भेजा था पहले फार्म में, लेकिन सबने ना तंग करना शुरू कर दिया मारना, तो मैं वापसी इधर ले आया। अब इधर ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी, किसी को तंग नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे डर था कि चेरी साहिबा कुछ झपटा ना मारता है इस पर। लेकिन अभी तो हम जैस्पर के पास जा रहे थे ना, तो चले जैस्पर के पास चलते हैं। ये रहा हमारा जैस्पर, जो कि अभी चावल चुन चुन के खा रहा है, इधर मैंने बिरयानी डाली थी और वो बिरयानी चुन चुन के निकाल रहा है और खा रहा है। जैस्पर क्या कर रहे हो? मेरे पास आ जाओ जैस्पर, तुम आते ही नहीं हो, इतने दिन हो गए हो, आ जाओ। हाथ को देख के ये करीब तो आया था फिर भाग गया। और जैस्पर को पकड़ लें, जैस्पर को पकड़ो, जैस्पर को पकड़ लो, जैस्पर को पकड़ लो, जैस्पर को पकड़ लो। आहा जैस्पर आहा, सबसे पहली तुम्हारी वीडियो ना इस जगह पे खड़े होकर बनवाई थी तुम्हारी, मुझे याद है। ये तमाम चूजे काफ़ी शोर मचा रहे हैं, तो जैस्पर को उनके पास भेजते हैं। जैस्पर अपन को समझाओ कि शोर नहीं मचाना है और उनका ख्याल रखो, तुम इनकी अम्मा हो। क्या म्याऊं म्याऊं कर रही हो? चुप। चल इसको बंद कर दिया हमने। दाखिल हुए, ये हमारा एक टॉर्टोइज है, दूसरा पता नहीं कहाँ छुपा बैठा होगा। क्या हुआ? आराम से मानिए आया मेरे पास, क्या हो गया भाई? कोई मसला हुआ? मुझे कहाँ लेके जा रहे हो तुम? अरे जैस्पर को ढूंढ लो। अरे जैस्पर तो यहाँ पे बच्चों के साथ बैठा भाई है, देखें ये ममता है इसकी जैस्पर की, अभी थोड़ा देर पहले छोड़ा था, सारे बच्चे इसके पास ही आ गए, इतना प्यार करते हैं वो, देखें परों में जबरदस्ती घुस रहे हैं। जैस्पर छोटा है लेकिन ना फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि सब जो है ना जैस्पर के परों में घुस जाए। एक तो कोशिश ऊपर चढ़ गया सबके। ये है जैस्पर का प्यार, आप देखें कितना प्यारा लगता है जैस्पर, इसी वजह से मैं कहता हूँ जैस्पर मुझे बड़ा पसंद है। असल में ना हो रहा है बुखार, तो हर हमें तकरीबन ना 6-6 घंटे बाद ना इसको दवाई देनी पड़ती है, ताकि 6-6 घंटे बाद बुखार चढ़ जाता है, वैसे तो 6 घंटे बाद ना दवाई देनी पड़ती है। अब बुखार से ये होता है कि इसकी ये जो गर्दन है ना, आप देखें टेढ़ी हो रही है, इसको गर्दन तो बुखार कह सकते हैं आप, तो इसलिए इसकी ना गर्दन का मसाज बहुत ज़रूरी होता है, वो आज हम पूरे दिन कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे साथ एक माजिद भाई हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसकी ना मसाज करते हैं। चलो तो मैं दवाई देते हैं और फिर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, आज की इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। इंशाल्लाह दुआ करिएगा कि मेरी ठीक हो जाए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब।